तत्साधुमन्निः असुरवर्जदेहिनं सदा समुद्विघ्नधियाम सद्गृहात् हित्वा तुपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः यदहरिमास्त्रहे तत्साधुमन्निः असुरवर्जदेहिनं सदा समुद्विघ्नधियाम सद्गृहात् हित्वा तु पातं गृहमन्धकूपं वनं गतः यदहरिमाश्रये श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए दो दिन का ये जिंदगी में आप लोगों का जो चाहत है इसमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसका एक फाइनल समाधान होना चाहिए, चूड़ांत वास्तव समाधान, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसका विचार करके आप लोगों को एक वास्तव सिद्धांत में उपनीत होना ये जरूरी है। अनंत काल से जीवगण भटकते आ रहे हैं, अनंत काल से जीवगण कभी स्वर्ग में कभी नरक में इधर उधर कृमिकीट पतंग और अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इस अवस्था हमारा अंदर में जो चाहत है काम है सबसे बड़ा बेईमान ये है, सबसे बड़ा बेईमानी करता है हमारा कामना वासना। ये कामना वासना ही मेरे को ये संसार में डाल दिया, ये संसार से छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं। सुबह का जो चर्चा हुआ था ये चर्चा का साथ 16 संबंध सूत्र बनाकर अभी की कथा थोड़ा चर्चा हुए तो उसमें थोड़ा आनंद आएगा, क्योंकि समय का स्वल्पता के कारण खुल्ला में खुल्ला खुल बात चर्चा हो नहीं पाता। सुबह में भी वो ये बात बताया था, ये भी शिला प्रहलाद महाराज जी का ही वचन है और सुबह में भी बताया था शिला प्रहलाद महाराज जी का वचन, अभी का वचन और सुबह का जो प्रहलाद महाराज जी का जो वचन उठाया था उन दोनों में संबंध सूत्र है। अभी बताया था तत्साधु मन्ने हैं असुर वर्ज देही नाम, कब बताया प्रहलाद महाराज? आप जानते होंगे हिरण्यकशिपु बड़ा अत्याचारी असुर, सबसे बड़ा असुर, इससे बढ़कर असुर नहीं है। इनके लड़का बन के आया है, ऐसा तो प्रहलाद महाराज उसका लड़का हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी लीला किया, प्रहलाद महाराज इनके लड़का है और प्रहलाद महाराज जी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए हैं हिरण्यकशिपु। क्यों ये भगवान का भजन का बारे में हर वक्त बोलता है, सोचता है, हर वक्त इसका चिंतन है भगवान का बारे में? ये आपका असुर जो है पिताजी इसके खिलाफ है हर वक्त, क्योंकि असुरों का विचार है काम अर्थो मोक्षो भी नहीं है, धर्म तो छोड़ ही दो, धर्म काय की बात है, धर्मो तो इन लोगों का अंदर में आता ही नहीं है। धार्यते त्रायते इति धर्म, धर्मों का विषय में बताए तो धर्म एक ही है, वो है वैष्णव धर्म। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सुंदर प्रमाण दिए हैं, जगत में जितना जितना
आदमी है, जितना सारे मनुष्य है, सबका एक ही धर्म है, वह है आत्मधर्मो, वैष्णव धर्मो, भागवत धर्मो। लेकिन माया के द्वारा अपना अपना जो विचार है अलग अलग हृदय में बैठ गया। माया के इतना प्रभाव है जो सच्चाई को समझने नहीं देता। ये सत्य वस्तु है लेकिन ये समझ नहीं पाता जीव, माया के इतना प्रभाव है। और हिरण्यकशिपु चाहता है कि हमारा लड़का काम अर्थो ये सब थोड़ा शिक्षा कर ले, धर्मों छोड़ दो, धर्मों का तो और मोक्ष का बारे में भी छोड़ दो, धर्म अर्थो काम, ये बात तो पक्का है। आजकल के जमाने में जितना सारे हिरण्यकशिपु है, अब पहले का जो हिरण्यकशिपु, इनके जो विचार है काम और अर्थ, इसको भोग करना, एंजॉय करना, इसका भी एक तरीका था, डिग्निटी था, विचार था। आजकल के जमाने में जितना हिरण्यकशिपु है गली गली में, ये लोगों का हृदय में जो विचार है बहुत घटिया विचार। हिरण्यकशिपु का विचार और भी ऊंचा था, वो भी काम और मोक्ष विचार भोग करे, उसका भी एक डिग्निटी था, एक तो वे आउट था, सुंदर रास्ता था, लेकिन इससे भी बहुत घटिया अवस्था आजकल के जमाने में हो गया, और कोई बोलने का कुछ नहीं है। हिरण्यकशिपु अपना लड़का को पूछा, तुमको जो अपना शिक्षा तरंग चराने के लिए गुरु गृह में हमें भेजा है, गुरु का पास, तुमने क्या सीखकर आए हो? गुरु मतलब संडो और अमर को, पहले भी चर्चा हुआ था, शुक्राचार्यों का जो शिष्य है परंपरा है तो उसूरी होगा। प्रभुपाद सुंदर व्याख्या किया है, विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद भी किया है, शुक्राचार्य मतलब है जनन आचार्य, जनन आचार्य, शुक्राचार्य, शुक्र माने जनन आचार्य। शुक्राचार्यों का जो दीक्षा जिसको प्राप्ति हुआ है, वो इसी संसार का जितना सारे मतलब है वो हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है, असुर, एक बातों में असुर बन जाता, हिरण्यकशिपु असुर बनाता है, साधु नहीं बना पाता, क्योंकि खुद तो शुक्राचार्य जो है उसका काम ही ये है। और इनके जो लड़का है हिरण्यकशिपु, जिनके पास अपना लड़का को शिक्षा तरंग चराने के लिए भेजा प्रहलाद महाराज को, ये भी यही सिखाता है कैसे रुपया कमाओ, उसको एंजॉय करो, समाज को काबू में रखो, समाज को कंट्रोल में रखो, ये असुर का काम है। असुर लोग चाहता है कि हमारा कंट्रोल में सब रहे, असुरों का ये सबसे बड़ा क्वालिटी है, ये लोगों का विचार से। और प्रभुपाद जी ने बताएं, तुम अगर दुनिया को कंट्रोल करने जाओ ये तुम्हारा लिए एक फांसी का फंदा बन जाएगा, प्रभुपाद का विचार है। जो दुनिया का ऊपर कंट्रोलिंग करने जाता है, दुनिया को काबू में रखना चाहता है, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, ये एक फांसी का फंदा बन जाता है। जगत का ऊपर जो अधिपत्य विस्तार करने का दृष्टि लेकर सबको शासन करता है, मारता है, पीटता है, ये सबसे बड़ा फांसी का फंदा उसके लिए। ये हिरण्यकशिपु जानता नहीं कि तो असुर है। हिरण्यकशिपु पूछा प्रहलाद महाराज जी को, अपना लड़का को, क्या सीखे आए हो? जो सीखा है उसमें कुछ अच्छा बताओ, अच्छा सीख के आए हो तो बताओ, कुछ अच्छा सीख के आए हो तो क्या तुम अच्छा समझते हो जो सीखा है गुरु गृह?
प्रहलाद महाराज जी ने सोचा जे असुर वर्जो असुर राज मेरे को पूछा है गुरु गृहों में क्या सिक्का आया है, इसमें मेरा गुरु तो नारद जी है। जब भी मैं मैया का कोख में अवस्थान का समय हरिकथा सुनने का अवसर मिला था, जब मैया का कोख में प्रहलाद महाराज थे, तब प्रहलाद महाराज जी मैया का कोख में बैठे हुए सारे भगवत तत्व जो नारद जी महाराज कयाधु प्रहलाद महाराज जी का जो माता जी इनको बताए थे, और प्रहलाद महाराज अंदर में बैठकर सारे डाइजेस्ट कर लिया। सोचो कैसा बड़ा भक्त है, सारे याद कर लिया कितना सारा भगवत तत्व। तो आज जो प्रश्न किया असुर राज, प्रहलाद महाराज सोचा काहे को मैं झूठ बोलूं, मेरा गुरु तो असलियत में नारद जी है, और पिताजी सोच रहे हैं तो गुरु मतलब संडो और अमरक, दोनों का जो विचार का डिफरेंस है पार्थक्य है बड़ा बड़ा मजेदार है। हिरण्यकश्यप सोचता है कि मैंने भेजा था गुरु जी का घर में संडो और अमरक, इसका पास तुम क्या सिक्के आए हो, जो सिक्के आए हो उसमें कुछ अच्छा बताओ, क्या साधु समझते हो, अच्छा समझते हो। अब प्रहलाद महाराज बोले कि मैं क्यों झूठा बोलूं, मेरा गुरुजी तो नारद जी महाराज है, महाभागवत वैष्णवी गुरु होता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी उत्तर दिए ऐसे, हिरण्यकशिपु का दिमाग खराब हो गया। क्या उत्तर? तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहि नाम सदा समुद्भिघ्न धियाम सद्गृहात् हित्वा तो बातम गृहमन्दकूपम् वनम् गतः यद् हरिमाश्रयेत्। बड़ा सुंदर, बोले पिताजी नहीं बोला, एक बार भी बोला नहीं पिताजी। तत्साधु मन्ने हे असुरवर्ज देही नाम, देही नाम मतलब देही देहोधारी मनुष्वानाम, मनुष्वनाम ये देहोधारी जो मनुष्य है इनके लिए है असुर वर्जो, असुर कुलों में सबसे बड़ा असुरत्व है आपका। हिरण्यकश्यप से इतना बड़ा मेरे को टाइटल दिए असुर वर्जो, कितना आनंद की बात है। लेकिन प्रहलाद महाराज का वचन में साधु लोग हंसता है, बोले क्या चालू है, प्रहलाद महाराज कितना चतुर है, कितना नम्रता है, कितना विनम्र भाव, स्टिल तभी भी फिर सच्चा बताता है। बोले तत्साधु मन्ने हे असुर वर्ज देहि नाम, हे असुर श्रेष्ठो, अच्छा जितना सारे असुर है उसमें सबसे आप टॉप में आप हो। लेकिन वो सोचता है कि इतना बड़ा देखो कितना सम्मान दे दिया, मेरा लड़का बहुत शिक्षित बड़ा शिक्षित हुआ है। प्रहलाद महाराज बोले देखो तत्साधु मन्ने हे असुर वर्ज देहि नाम, हे असुर वर्जो, हम तो देहधारी जीव के लिए दो दिन की जिंदगी है, ये मैं सोच अच्छा समझता हूँ। अब बोले क्या अच्छा समझते हो, मैं तो ये अच्छा समझता हूँ कि बनम गतहयत हरिमाश्रय, ये जो संसार है इसमें हर वक्त टेंशन बने रहते हैं, हर जीवों का अंदर में, हर प्राणी का अंदर में टेंशन है, सम सॉर्ट ऑफ टेंशन, हर वक्त उद्वेग रहता है। लेकिन एक वास्तव साधु के हृदय में कोई उद्वेग नहीं है, उसका और देखो हर वक्त एक प्रशांति भाव विराज करता है, कोई भी टेंशन नहीं है। काहे को टेंशन करें, जब जगत जगत का नियंत्रण करता जगन्नाथ है, तो मैं टेंशन खमा का करके क्या करूं, कोई तो कुछ लाभ तो नहीं होगा ना। इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तत्साद मन्ने हैं असुर वर्ज देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया, धिया का मतलब है जो विचार अंदर में है, धिया जिसके द्वारा माम आदमी सिद्धांत तो लेता है, सब उद्विग्न अवस्था में है। प्रहलाद महाराज जी ने बताया तत्साद मन्ने हैं असुर वर्ज देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया,
मन चंचल है हर वक्त, सदा समझ बिगड़ दिया असद गुरहात। जैसे आप लोगों में किसी किसी का शनिचर का दशा लग जाता है, बृहस्पति का दशा लग जाता है, राहु केतु चढ़ जाता है, अब बोलो एस्ट्रोलॉजर का पास जाके महाराज हमारा हाथ थोड़ा देख के बताओ, हालत बहुत खराब हो गया, बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, शनिचर चढ़ गया। और एस्ट्रोलॉजर जी ने बताया कि महाराज आपका तो शनिचर पूरा चढ़ के बैठा है, आपको नीला लगेगा और राहु भी ओ ये सब लगेगा, बोल के 50,000 रुपया का एक चार्ट बना दिया। अब क्या करे, हर वक्त प्रहलाद महाराज यही बताया, सदा समुद्र विघ्न धिया असद ग्रहात। जैसे असद ग्रह राहु केतु ये सब जब चढ़ जाता है आदमी का अंदर में, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त टेंशन बेचैनी होते रहता है। इस अवस्था मैं तो ये अच्छा समझता हूं, हे असुरवर जो सदा समुद्र विघ्न धिया मसद ग्रहात हित्वा आत्मपातम गृहमंद कूपम। जितना सारे संसारी जीव है, ये संसारी जीवों का जो संसार रूपी जो बंधन है, इसको पुल्लादी महाराज ये कुएं है, ये जो कुएं है ये कुएं में डाल दो किसी को वो मर जाएगा। अंधकूप ये भी अच्छा कूप है, अंधकूप वैष्णवों का संसार, लेकिन अंधकूप नहीं है। वैष्णवों का संसार में जो पिता माता भाई बंधु अपना स्त्री जो है सारे जगन्नाथ का दास दासी, लेकिन बाकी आम आदमी के लिए सारे संसार जो है वो उसका लिए एक अंधा कुआ, एक कुप जैसा है, कुएं में किसी को फेंक दो वो मर जाएगा। हित्वा आत्मपातम, आत्मपात मतलब सुइसाइडल केस, आत्महत्या करना। संसारी जीव भगवान के भजन के खिलाफ चल रहा है, मतलब वो खुदकशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। जो जगन्नाथ का भजन नहीं करता है वो सारे जितना सारे बैठा हुआ सब आत्मघाती है, सब आत्मघाती है। इसके लिए इन लोग सबको क्या होगा, आत्महत्या करने का पाप लगेगा, क्योंकि वो आत्मपतन, आत्मा का पतन है कब, जब जगन्नाथ को छोड़ देता है। संसार में सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ा अपना निजीजन है जगन्नाथ, संसार में सबसे बड़ा अपना आदमी है जगन्नाथ, जगन्नाथ से छोड़ के कोई अपना नहीं है। और दुनिया का आदमी इतना उल्लू है, इतना मूर्ख है, जिसका साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, स्त्री पुत्रो ये जो भाई बंधु इन लोगों का साथ जीवों का रिश्ता जो संबंध है ये परमानेंट नहीं है, क्षणभंगुर दो पल का संबंध है, लेकिन इसी में संबंध जोड़ के बैठा है। और जो कि जगन्नाथ का साथ संबंध तोड़ नहीं सकता उसको ही तोड़ के रखा है। जगन्नाथ का साथ संबंध आप तोड़ने चाहो तो संभव नहीं है, क्यों, जगन्नाथ बैठा हुआ है आपका अंदर में परमात्मा रूप में। जिसका साथ संबंध तोड़ना संभव नहीं है उसका साथ ही तोड़ के रखा है, अनंत काल जगन्नाथ का साथ हमारा संबंध बना हुआ है, सिर्फ इसको अनुभव में उतारना इसका नाम भजन है, इसको अनुभव करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधो को पूर्ण है सोवनादि शुद्ध चित्त कर रहे होता है। हमारा साथ जगन्नाथ का संबंध बनाने का दरकार नहीं है, ही है जगन्नाथ का संबंध अनंत काल से मेरा साथ है, कि इसको अनुभव करो, समझने का कोशिश करो, हरिनाम करो, तब हो जाएगा, समझ में आएगा कि महाराज हमारा साथ जगन्नाथ का ही संबंध है, बाकी दुनिया किसी का साथ मेरा संबंध ना था, ना कभी था, ना कभी होगा, संबंध नहीं। लेकिन ऐसा ही बुद्धि खराब है जीवों का, इसमें उलझ गया है संसार में। प्रहलाद महाराज बोल रहा है देखो, हित्वा तुपातम गृहमंद कूपम वनम गतः यद हरिमाश्रय,
प्रहलाद महाराज बोलता है हे असुर वर्जो, हम तो चाहता है ये टेंशन, ये इतना बेचैनी है, आत्मपात आत्महत्या सदृश एक अंधकुआ है, ये गृह है संसारी जीव, इन लोगों के लिए तो मैं अच्छा समझता हूँ कि इसमें निकल कर भागे, और भाग के क्या करे, वनम गत हयद हरिमाश्रय, वन में चले जाए और हरि भजन करे। अब एक समस्या आ गया तो महाराज वन में चले जाए तो आप भी चले जाओ, आप इधर क्यों बैठे हो, वन का क्या माने हैं? आदमी समझता है वन में चले जाए तो समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन वन में अगर भागोगे संसार छोड़ के, यही मन जो बद्ध मन है इसी को लेके जाओगे, तो जंगल में जब जाओगे वही तुम्हारा ये बड़ी पौधा ये सब सिटी सब संसार आपका मन में रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। बद्ध जीव जहां भी भागे, बद्ध जीव जहां भी भागे वहां अपना बद्ध मन को लेके ही जाएगा, और मन में जो पहले जो संसार था वो ही रहेगा, और ज्यादा बेचैनी ज्यादा होगा बद्ध अवस्था में। तो जंगल में जाने का मतलब क्या है, जंगल में जाने का मतलब क्या है, सचमुच जंगल में जाओ जहां बाघ भालू है वहां जाके बैठ जाओ, ऋषि मुनि जैसे बैठा था। नारद जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण सुंदर बताया, 11वां स्कंदों में सुंदर चर्चा करने के विषय है, समय के स्वल्पता के कारण हम ज्यादा नहीं बता पाए, बता भी पाएगा ज्यादा नहीं बता पाए। उद्धव महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बनम तु सत्तिकम वासम राजसम ग्राम उच्चते, और तामसम दूत सदनम मन निकेतनम स्तु निर्गुणम। हमारा जो मंदिर है, हमारा जो आश्रम है, जो हमारा सेवा चल रहा है जहां, ये निर्गुण जगह है, ये जगह ये जगत जो है गुणमय जगत है, किसी को कोई छुटकारा नहीं है, किसी को कोई छुटकारा नहीं है, गुणोमय जगत है, इसमें गुणों का प्रभाव सब जीव को बद्ध दशा में डोमिनेट करके रखा है, बद्ध करके रखा है। तो वनम तु सात्विकम वासम, वन का मतलब है सात्विक वास, इसका और सुंदर व्याख्या प्रहलाद हमारा ब्रह्मा जी ने सुंदर बताया, ये साधु संतों का संग में रहेगा, साधु संतों का संग में हम रह के हरि कथा कीर्तन करने का हमारा सुयोग हो जाए। ब्रह्मा जी अपना स्तब में सुंदर बताया, सन्मुख रहितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता, ये स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनो भी, इसका व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती का सुंदर सीधा साईपाद भी किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर, स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनो भी, इसका मतलब है स्थाने स्थिता मतलब साधुगण सकाशे स्थिता, साधुगणों का बीच में मैं रहे, साधुगणों के गाली देकर तुम चले जाओगे, तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम अपने भजन कर लोगे, पोपा जी तो गाली देता है अपना नाक को टिप पर हरिनाम करो, हरे कृष्ण ये सबसे बड़ा व्यभिचार है, तुम्हारा हरिनाम करने का हिम्मत नहीं हुआ है, कैसे करोगे, ट्राई करो। भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर बताए, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनित हर कोनो वस्तु नाय, वास्तव साधु संग में रहो जहां हर वक्त भगवान का चर्चा होता है, अपना मतलब का चर्चा होए तो साधु संग नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सुंदर बताया, देखो जब बनम गत या तो हरिमाश्रय, बन का मतलब है बनम तु सत्तिकम वासम, उसका और सुंदर व्याख्या ब्रह्मा जी ने बताया और क्लियर परिष्कार, जे साधुगण सकाशे साधुगणों का बीच में रहकर
हम क्या करें, आपका गुणगान करते रहे, आपका रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सबका स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुभंग मनोवीर जे प्रायस अजीत जीतो पियोसी तो इस त्रिलोक्याम। त्रिलोक में भगवान का नाम अजीत है, अजीत अजीत मतलब भगवान को जय नहीं किया जाता है, लेकिन जो भगवान को जीता नहीं जाता है, जय नहीं किया जाता है, वो भगवान को भक्त लोग अनायास जय कर देता है, अनायास हंसते हंसते भगवान को जय करके बैठा देता है हृदय में। बड़ा सुंदर सुबह का चर्चा हुआ था सुंदर, एक साथ थोड़ा सा लिंक बना के हम छोड़ दें, ज़्यादा समय नहीं है। सुबह में बताया था देखो ये जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म है, अप्राकृत शब्द ब्रह्म अगर किसी साधु संतों का मुखारविंद से निकालने का व्यवस्था हुआ है, अतः साधु संत बोलता है तो आपका मंगल हो जाएगा, चरम मंगल आपका उद्धार हो जाएगा। साधु संतों का जवान से जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म निकालते रहता है, हरि कीर्तन हरि कथा का रूप, यह आपका चरम मंगल का विषय है। लेकिन साधु पहचानना भी मुश्किल है, जिसका वचन सुनने के बाद हमारा दिल में थोड़ा रिएक्शन होता है, समझ में आता है कि महाराज जिंदगी में सुना ही नहीं ऐसा बात, इतना धक्का लगा, अपना जीवन जिंदगी चेंज होने लग जाता है, परिवर्तन होने लग जाता है, तो समझो कि ये बात सब साधु, नहीं तो साधारण हरिकथा कीर्तन सुनते सुनते बुढ़ा भी हो जाओ मर भी जाओ उसमें अपना चरम मंगल का कोई रास्ता होगा नहीं। इस विषय में मैं सुबह में चर्चा किया था थोड़ा बहुत, अब समय के स्वल्पता के कारण मैं इधर ही विश्राम लेना चाहता हूँ, बहुत सारे वक्ता है। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनम सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्गृहाद हित्वा तपातम गृहमंद कूपम वनम गतः यद हरिमाश्रये वांछा कल्पतरु के पास इंद्र पतितानं पावन पवैष्णवभ्यो नमो।